से उठाकर ऑफिस में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है जिसके बदले में उन्हें दो गज की रोटी दो गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली, फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए। इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तू नहीं जानता जमींदारों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और बालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश। मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करें, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? मुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज साखू ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपने आन इंसाफ अखलाक और ईमान की। इस लड़की के जन्म जात नाम इसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ मांग भर इसकी। गजराज बाबूजी,
मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अब विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। ये लीजिए छोटे मालिक, खेत वाले मकान की चाबियां। अब जा रहे हैं बड़े। हम जा रहे हैं भाभी।